इतवार आपसे मुखातिब है नेशनल स्टेडियम कराची से। पीएसएल की तमाम खबरों के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी बड़ा एक्साइटिंग दिन रहा नेशनल कराची में, चूँकि पेशावर जर्मी और लाहौर कलंदर्स ने एक साथ प्रैक्टिस की, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों ने प्रैक्टिस की और दोनों टीमें स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत फोकस दिखाई थी। मुल्तान सुल्तान के ज़्यादातर लड़के अगर आप देखें तो यहाँ भी जारी है और मैंने यूट्यूब चैनल पर कोशिश की है कि नेशनल कराची में जो मैं कवरेज कर रहा हूँ उसके साथ साथ तमाम अपडेट यहाँ पर। तो आप अपनी टीमों के मुताबिक क्या कहते हैं, मुझे इसके बारे में गाइड दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफ्फार नेशनल टीम कराची से पाकिस्तान सुपर लीग की एक और अपडेट के साथ हाजिर है। और बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे थे, कमेंट किए थे, उनका जवाब भी दूंगा। और टेक्नोलॉजी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से बहुत कुछ आपने जो है मुझसे पूछा, बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो जनाब 4K टेक्नोलॉजी होगी, सेम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज वाली, लेकिन कैमरों की तादाद 29 से मुझे बता रहा है 31 या 32 तक बढ़ाई जा सकती है। बगी कैम भी होगा, स्पाइडर कैम होगा और ये तमाम टेक्नोलॉजीज मौजूद होंगी। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन होने वाली है। इसके साथ साथ लोगों ने बात की थी जनाब कि पिचेस का क्या रोल होगा, पिचेस कितनी होगी। तो जनाब मेरे अकद में पिचेस मौजूद हैं और 7 पिचेस हैं जिनको तैयार किया जा रहा है, 2 प्रैक्टिस एरिया में, तो टोटल 11 पिचेस हैं, 7 अवेलेबल होंगी और हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मुझे पता चल गया। बहुत सारे प्लेयर्स बारे में बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर दिस पीएसएल और हर टीम के अंदर स्पिनर्स अच्छे भी बहुत हैं। इसके साथ साथ हर टीम के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है अच्छे स्पिन को खेलने वाले मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से एक अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो डोमेस्टिक सीजन हुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिनर्स डोमिनेट किया, नुमान, साजिद, इसके साथ साथ जाहिद महमूद। तो अब देखते हैं कि स्पिनर्स को जो है वो T20 क्रिकेट में इन विकेटों पर कितनी असिस्टेंस मिलती है और कितना बड़ा स्कोर बनता है, लेकिन स्पिन फैक्टर मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। सो और कोई मजीद सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रोडक्शन और पिच के हवाले से आज मैंने आपको अपडेट दी, आने वाले वीडियोज़ में आपको मजीद मालूम भी फराम करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, अभी मुझे वो देना।